जी ये एक नवाबी फैमिली का स्टोरी है, बहू बेगम जो कि सिमोन मैम है एंड उसकी उनकी फैमिली की पूरी कहानी है. इट्स एक्चुअली लव ट्राइंगल, कैसे एक लड़का उसकी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड एक शादी में जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं वो आप लोग देखना. बट इट्स ऑल वेरी सर्कमस्टेंशियल and yeah, I hope you guys like it. We have a beautiful cast, a beautiful story and some beautiful girls, so please watch it. serial show ki baat kare, iska naam jo hai bahut unique hai, bahu aur begum. to kya ye ek mom ki choice hai, ek aapki choice hai? no, it's bahu begum. bahu begum ek hi insaan hai jo simon ji hain, jo bhopal ki bahu begum, raniyon ko jo kaha jata hai in I think muslims इस कास्ट इस रिलीजन में दे कॉल इट बहू बेगम. इस्लाम की एक फिल्म भी है अगर आप. सो वो प्ले करेंगी हमारी सिमोन मैम. सो इट्स ऑन हर एंड इट विल बी बहू बेगम बाय, बिकॉज आफ्टर हर इट विल बी पास्ड ऑन टू जो भी हैं जो आगे आप स्टोरी में देखने जाएंगे. सो कौन बनेगी बहू बेगम इज द होल कॉन्सेप्ट. जी मेरे किरदार का नाम अजान है, वो भोपाल के होने वाले नवाब हैं एंड अपनी अम्मी के लाडले हैं और अच्छे इंसान हैं. बहुत ही कभी भी गुस्सा आ जाता है उनको, एक वायलेंट स्ट्रीक है. बट लंदन से पढ़ के आए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं, ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से. तो एक बहुत ही रॉयल फैमिली है एंड किरदार कैसे आगे चेंज हो जाता है, थोड़ा फंस जाता है वो आप लोग देखना. हाल ही में तीन तलाक के बारे में जी बताएंगे आप? जी नहीं, एक्चुअली मेरा उस पर कुछ वो नहीं है, बट इस शो उसके बारे में नहीं है. सो आई थिंक वी शुड स्टिक टू दिस. नॉट टू मच यार, बिकॉज रिग्रेसिव नहीं है, नहीं जा रहे हैं. Sorry. हम उसको एक फैशनेबल स्टेट पे कंटेम्प्रेरी रखते हुए आज की हम आज का दौर दिखा रहे हैं, तो हम उस चीज को ले लाइक हाउ शाहरुख, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, शाहरुख खान इज अ नवाब. तो केजरी जी में वो हिंदू था, तो बट जस्ट सेइंग दैट हमें ऐसा लगता है दैट अगर मुस्लिम शो है तो एकदम कट्टर लैंग्वेज होनी चाहिए. बट वो भी होता है, वो साइड रहता है. बट आई थिंक आजकल आई हैव सो मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स और एक्टर्स आल्सो हैव जो भोपाल लखनऊ से भी आए हुए हैं, बट दे डोंट टॉक इन एक आपको उर्दू. उसका एक वो मिलेगा, फ्लेवर रहेगा, फ्लेवर तो रहेगा एंड उनके जितने भी फेस्टिवल्स होंगे या द वे दे ड्रेस वो थोड़ा सा आप देखेंगे रिफ्लेक्ट तो करेगा. वो तो अच्छे होते हैं, मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक एक क्रेडिट सबसे ऊपर जाना चाहिए हमारे डायरेक्टर को. बेस्ट डायरेक्टर, फन बेस्ट डायरेक्टर मिस्टर प्रतीक शाह. ही इज अ कॉन्फिडेंट मैन, ही इज अ वेरी वेरी कूल गाय यार. एंड एक्चुअली ये पूरी टीम बहुत अच्छी है क्योंकि सारी यंग लोगों की टीम है. नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट आवर प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ्रॉम आवर क्रिएटिव्स, एवरीवनस अ यंग, इट्स अ यंग टीम, सो इट्स फन ऑन सेट एंड गुड वाइब्स. Everyone is really nice, so we are enjoying the shoot so far. जी मैं अगर आपको बताऊँ तो अजान थोड़ा अलग है मुझसे, क्योंकि उसको बस गुस्सा आ जाता है. वो तो शायद वो मैं शायद थोड़ा मिला सकता हूँ, बट वो भी मैं ऐसे गुस्सा होता हूँ और ऐसे ठंडा भी होता हूँ. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई थिंक आई कांट रिलेट टू हिम इन दैट मच ऑफ जोन आल्सो, बिकॉज काफ़ी अलग है मुझसे पर्सनली. मुझसे पूछेंगे और नवाब है और आई विश आई कुड बी लाइक अजान. आप मुझसे पूछेंगे उसका जवाब ही देंगे. ये नूर ही है, ये पहले दिन से नूर ही है. समीक्षा इज नूर, पीरियड. I think completely I don't have to act and the fun the most part difficult is part for it's very difficult but fun because it's challenging because I have to have so many colors in me in every scene ki wo ek jaisa ek hota and hai ki clothes also. Sorry bad joke. ek jaisa exactly wo media record ke liye aa rahi hai. so ek jaisa jo aap lehze mein baat karte hai to wo ek routine ban jata hai, whereas Noor doesn't have a routine, she will always have a different flavor, different tempo. एंड मैं बात कर रही हूँ एक मिनट सुन ले, मैं उसको बोल नहीं तो फिर ऐसा टेम्पो रहेगा. इट्स गोना बी फन बिकॉज़ आई कैन डू व्हाटएवर द आई वांट टू डू. हेल यू व्हाट टू सब अच्छा यार. अभी मैं तो बहुत अच्छी हूँ. इसका ये है कि बहुत गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो ही इज
نہیں بری چیز نہیں نہیں بتا نہیں بتا دے فینس کو یہ کہنا چاہیں گے یار پلیز 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 یہ شو دیکھیے آپ لوگوں نے یو گیون اس سو مچ لو سو مچ رسپیکٹ اینڈ سو مچ ایڈمریشن پلیز دس از اے نیو شو اٹس اے نیو بگننگ فار بوتھ آف اس سو آئی ریئلی ہوپ یو گائز لائک اٹ اینڈ واچ اٹ 15th July 9:30 PM منڈے ٹو فرائیڈے آن کلرس اینڈ اینی ٹائم آن ووٹ تھینک یو بیکاز میں جھوٹ نہیں بولوں گی مجھے اس کے لیے آڈیشن دینا پڑا تھا اینڈ جب میں نے آڈیشن دیا اور میں جب سلیکٹ ہوئی تو میں نے اس کا اسکرپٹ سنا اینڈ آئی ہر اباؤٹ دا کیریکٹر آئی مین آئی ریئلی لائک اٹ اور مجھے ہمیشہ سے ایسا کچھ کرنا تھا اینڈ مجھے وہ مل گیا اینڈ بیکاز شائرہ از اے ویری شی از ویری یو نو سمپل سارٹیڈ اینڈ شی کیپس ہر ریلیشن شپ ٹاپ پہ تو یہ سب بہت اچھا ایلیمنٹس ہے اینڈ آئی لو دا ہول کاسٹ اینڈ دا یو نو دا اسٹوری آئی کانٹ ریویل مچ بٹ یو گائز ول کم ٹو نو سو ایز این ایکٹر کچھ نہیں مجھے اردو سیکھنی پڑی تھوڑی بہت کیونکہ میری ہندی بھی ایسی ہے آئی وونٹ لائی آئی ایم ورکنگ آن اٹ اینڈ پلس شائرہ کا رہن سہن جو ہے جیسے وہ بات کرتی ہے جیسے وہ ایک سچویشن ہینڈل کرتی ہے تو یہ سب تھوڑا تھوڑا آئی نیڈ ٹو لرن اینڈ آئی ایم لرننگ اینڈ بس چل رہا ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ سب کو ایسا اپرچونیٹی نہیں ملتا ہے اینڈ جو کپڑے ہم پہن رہے ہیں اٹ از ہیوی اینڈ یو سم ٹائمز آئی ریئلی گیٹ اریٹیٹڈ بٹ ہم ہی دکھ رہے ہیں اور میں اتنی اچھی لگ رہی ہوں مجھے اتنا پازیٹیو ریویو آیا ہے سو آئی ایم ویری ہیپی وتھ ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم گیٹنگ ہیئر اینڈ وی میں تو بہت زیادہ ہی فوڈ انسان ہوں وین وی آر شوٹنگ ان بیکانیر تو وہاں پہ سب بول رہے تھے ڈائٹ کرو بٹ کچھ نہیں ہم صرف بریانی اور لال ماس کھا رہے تھے اینڈ بہت مزہ آیا بیکانیر واز ویری ہاٹ بٹ ہم سب ایسے پنکھے میں ایسے ایسے کر کے وی آر انجوائنگ اٹ واز فن شو کی سب سے خاص بات ہے اس کا کانسیپٹ اٹس ناٹ ویسے کہ ارے مطلب جو دو نکاح والا ہے ویسا کچھ نہیں ہے کہ مرد اپنی مرضی سے کر رہا ہے ایسا کچھ سچویشنس کی وجہ سے آئی ایم یو نو لائک میں ہم لوگ سب ہینڈل کر رہے ہیں اینڈ یو گائز ول گیٹ ٹو نو بٹ اٹس ریئلی نائس آئی نو فنگرز کراسڈ تھینک یو میں اتنا کہوں گی پلیز گائز ڈو واچ بہو بیگم آن کلرس 15 July سے 9:30 PM سوری ناٹ اے ایم اینڈ آلسو آن ووڈ تھینک یو تھینک یو بہو بیگم از سیٹ ان ویری نوابی بیک گراؤنڈ پیار اور دوستی میں کانفلکٹ کی کہانی ہے اینڈ دیٹ از دا سینٹرل پریمس میں رضیہ کا کردار نبھا رہی ہوں شی از دا بہو بیگم آف بھوپال اینڈ شی از فرام اے نوابی بیک گراؤنڈ ریسپانسبل فار اے لاٹ آف پیپل ویری پروگریسو مائنڈ سیٹ لیکن لائف میں کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جس وجہ سے جو بھی ویلیوز آر ڈیئر ٹو ہر وہ بکھر جاتے ہیں اور لائف کس طرح سے ری بلڈ کرنی پڑتی ہے اوکے اسی کے ساتھ کی اگر بات کریے تو رضیہ کے کردار کی جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے تو مطلب کس طریقے کا کردار ہونے والا ہے اینڈ کس طریقے کے کردار میں آپ نظر آنے والی ہیں اور طریقے آپ رضیہ کے بارے میں تو بتا دیا میں نے آپ کو کیسے کس طریقے سے گروتھ ہوگا کیریکٹر کا اس شو میں یہ بتائیے ایز آئی سیڈ شی از اے ویری پروگریسو مائنڈیڈ پرسن یو نو وت ویری ڈیپ بلیف ان ایکوالٹی فار ویمن اینڈ فارورڈ تھنکنگ پرسن لیکن لائف میں یو نو کئی حادثے ہوتے ہیں جس وجہ سے لائف ان کی بکھر جاتی ہے اینڈ یو نو پھر لائف کو ریبلڈ کرنے میں کیا چینجز آتے ہیں ان کے کیریکٹر میں ان کی آؤٹ لک میں دیٹ از ہر کیریکٹر گراف آپ کا ایک شو تھا یو نو جسے بہت لوگوں نے پسند کیا تھا تو
उसकी याद कहीं ना कहीं आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही ही ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आपने कितने मेमोरीज रिकलेक्ट की जब ये शूट कर रही थी तब? नॉट सो मच मेमोरीज बट डेफिनेटली यू नो, मैंने शो को हाँ कहने के बाद मुझे ध्यान में आया that there are similarities and that is also something of great interest to me. Mm-hmm. At two points in a woman's life, mm-hmm. you know, two alag stages of a woman's life mein similar circumstances. Mm-hmm. So that is interesting for me to play. Yeah. Mm-hmm. Also, you know, Prateek ji ne kaha ki aapne sirf 3 minute mein shayad se ye kirdar ke liye. I think Prateek ne thoda fast forward kar liya hai time ko. Is hisab se 3 minute to nahi lage the, kafi samay laga tha, but Prateek bahut hi sweet hai. इस तरह से उन्होंने पर्सुएड किया यू नो टू प्ले दिस कैरेक्टर. या तो सबसे ज़्यादा क्या किस बात ने अट्रैक्ट किया इस शो की अगर बात करें? एज आई सेड द स्टोरी लाइन इज़ रियली पावरफुल. मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ कहा है कि दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलीविजन में पहले शायद देखने को नहीं मिला है. एंड रज़ियाज़ कैरेक्टर, देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप यू नो फॉर अ कैरेक्टर ग्राफ. या और कितना रिलेट कर पाई अपने कैरेक्टर को? None of the characters that I play are like me, but I think as an actor you have to find something in yourself that resonates with the part that you're playing. ये ज़रूरी होता है to make it real for yourself, to make it convincing for yourself and to be able to play it convincingly. You know, वो किस तरह से रिलेट करना है वो अपने आप में ढूंढना पड़ता है. एंड टेलीविजन में आने में थोड़ा सा वक्त लगा दिया वापस, क्या वजह रही? ये सब मुझसे पूछते हैं. मैं प्रोजेक्ट्स के बीच में गैप तो होता है बट वापस आना, कहीं जाना, यू नो आई कांट डू प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक. दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं, नॉट टेलीविजन, देयर इज फिल्म्स, देयर इज वेब सीरीज, तो गैप आ जाता है. इट्स नॉट समथिंग बाय डिजाइन. फिल्म्स में हो या टीवी पे हो, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके सबसे ज़्यादा आपके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, करीब हो? आई एंजॉय द वर्क दैट आई डू बट आई डोंट बिकम टेरिबली अटैच्ड टू देम एट ऑल. ओके, इसके साथ ही बाकी को स्टार्स के साथ में कैसा अनुभव रहा काम करने का आपका? बहुत ही अच्छा. आई रियली गेटिंग टू नो सबको मैं पहली बार मिली हूँ एंड आई हैव नेवर सीन एनी ऑफ देयर वर्क बिफोर बट आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो देम. दे आर लवली पीपल, ग्रेट फन, लवली एनर्जी ऑन सेट, बहुत मस्ती करते हैं, नॉन स्टॉप बातें होती है. इट्स रियली एंजॉयबल. अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब दोस्ती सबसे ज़्यादा अच्छी किसके साथ में हो गई है? ये तीनों की दोस्ती तो अलग जगह है एंड आई एंजॉय एवरीवन्स कंपनी. या ऑन सेट. ओके, लास्टली एक मज़ेदार किस्सा बताना चाहेंगे आप सेट पर का? मज़ेदार किस्सा, राजस्थान के यू नो भूत बंगलों की कहानियाँ सुनी हैं आपने? सबसे पूछिए क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं सबके साथ. वो मज़ेदार नहीं है, वो काफ़ी हॉरिफाइंग है. कौन सी बिरयानी वाली कहानी? समीक्षा ने बताया कि डायना नींद में उठकर कहने लगे मुझे बिरयानी चाहिए. हाँ, वो दोनों दे वर शेयरिंग अ रूम, मतलब एक दूसरे के रूम में रहती थी डर के मारे. तो या दे हैव दैट बिरयानी स्टोरी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट. आप बताने वाली थी मैम, वो राजस्थान वाली स्टोरी कौन सी थी जिससे आप डर गई थी कि कोई और डर गया था? सबसे पूछिए क्या क्या इवेंट्स हुए हैं सबके साथ. सबको लगता था राजस्थान में तो डेफिनेटली हवेलियों में हर एक ऐसी कोई हवेली नहीं है जिसमें कोई हॉन्टिंग की कहानी ना हो. तो यू नो सब रात में ऐसे जागते थे. ओके, इसके साथ ही मैम अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू नो बहुत ही ट्रेडिशनल लुक रखा गया है आपका इस शो के लिए, नवाबी स्टाइल. आपको वक्त लगा इस कैरेक्टर को कैच करने में या फिर यू नो कुछ पहले से प्रैक्टिस की थी इस लैंग्वेज को, जो नवाबी लैंग्वेज होता है उसको उसके लिए प्रिपेयर करने में? पहले से तो नहीं, बट डेफिनेटली वंस यू टेक ऑन अ पार्ट टू प्ले उसमें एफर्ट तो करना पड़ता है. यू नो खासकर टू बी ट्रू टू द कैरेक्टर, टू बी ट्रू टू द बैकग्राउंड दैट शी कम्स फ्रॉम, डेफिनेटली वन हैज़ टू बी माइंडफुल. यू नो सोच डालनी पड़ती है उसमें, आइडियाज़ अपने लाने पड़ते हैं डेफिनेटली.
लुक के बारे में दे हैव गिवन हर अ वेरी रीगल लुक ट्रेडिशनल ज्वेलरी व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट हैवी हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे बट यू नो दिस इज अ दे वांटेड अ वेरी रीगल लुक फॉर हर ओके सो लास्टली मैम कब और कहां देखने मिलने वाला है 15th July 9:30 PM on Colors thank you so much yeah नए शो के लिए जिसका नाम है बहू बेगम बताइए कुछ इसके बारे में किस तरीके की नजर आएंगे ये स्टोरी एक रॉयल फैमिली की भोपाल की जिसका नाम है बहू बेगम है ना और इस स्टोरी में तीन लोग हैं मेजर जो लोग हैं उनका नाम है अजान नूर और शायरा सो ये दोस्ती मोहब्बत और प्यार की स्टोरी है बेसिकली दोस्ती और मोहब्बत की स्टोरी है वो कैसे बनती है कैसे टूटती है उसमें मेरा कितना हाथ होता है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा वो डिफरेंट डिफरेंट शेड मिलेंगे देखने में इसमें तो किस तरीके के किरदार में नजर आने वाले हैं मतलब कि नेगेटिव होने वाला है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मैं अभी इस शो में दो ही लड़के हैं यार मतलब है ना तीसरा मेरा बेटा बना है वो थोड़ा सा पागल है तो इस शो में दो ही लड़के हैं एक अजान है और एक असगर है तो डिफरेंट जॉनर है मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल है पहली बात तो ये है कि मैं पहली बार टीवी में अपनी इंटायर लाइफ में एक मुस्लिम शो कर रहा हूँ जिसका नाम है बहू बेगम सो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है दूसरी चीज़ जो सबसे मैंने अभी तक किसी से शेयर भी नहीं की है तो ये है कि जो मेरी वाइफ बनी है उनका नाम है सुरैया तो मेरी रियल मॉम है उनका नाम भी सुरैया है ना तो बहुत एक मतलब होता है बॉन्डिंग वाली बात तो जब मैं बोलता हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है अभी समझ नहीं पाता हूँ कि बीवी बोल के उसको बोलूँ या माँ समझ के बोलूँ उसको तो वो एक चीज़ है उसका मेरी मॉम का नाम भी सुरैया परवीन है और उनका नाम है सुरैया बेगम तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे है ना और मुस्लिम शो है और करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि पहली बार एक मुस्लिम शो कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मुझे एडवांटेज मिल गई हैं कि रिलेशन इमोशंस मोहब्बत और मुस्लिम फैमिलीज में कैसे कैसे होता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट पे ऐसे होती हैं कि यार ऐसे मत तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ऐसे नहीं होता मुस्लिम फैमिली में सो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती कितनी सारी चीज़ें हैं तो अभी करूँगा तो पता चलेगा नहीं पहले मुझे लगता था थोड़ा सा ऐसा भी कि यार नेगेटिव तो क्यों करना है तो फिर मुझे लगा कि अगर आपको अपनी एक एज एन अगर आप आर्टिस्ट हो है ना अगर आपको एक चीज़ मिलती है करने में जिसमें डिफरेंट शेड हो जो आपकी एक्टिंग ग्राफ को भी चेंज कर दे ताकि लोगों को पता चले कि आपके अंदर कितना कुछ है आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है तो अगर मैं सारी चीज़ें आप देखते हो टीवी में एक ही रोल कर करके लोग कितना हो जाता है मतलब हीरो के पास कितनी वो होती है क्या होता है लिमिट होती है मतलब लेकिन एक नेगेटिव के पास अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं हीरो के पास बाउंड्री होती है लेकिन नेगेटिव के पास बाउंड्री नहीं होती वो थाड़ थाड़ता सिक्स मारता लेकिन पढ़ती भी हैं नो डाउट उसकी बात पढ़ती है लेकिन उससे पहले कितना कुछ करने को मिलता है वो है ना तो वो चीज़ है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थी कि मैं यार कुछ डिफरेंट करूँ मैंने इससे पहले भी शो किए थे जो जिसमें नेगेटिव गए थे लेकिन नहीं चले वो फिर गया फिर नहीं चला पर अभी लास्ट मतलब थैंक्स टू गॉड है ना कि अभी जो करा वो नया शो है और मैं इसमें नेगेटिव कर रहा हूँ डे वन से करूँगा सो वो देखते लोगों को कितना अच्छा लगेगा और मैं बस ये चाहता हूँ कि जब जब मैं स्क्रीन पे आऊँ जब जब मैं कुछ बोलूँ तो लोगों को मज़ा आए देखने मज़ा आए और लोग बोले भी यार वाकई यार जो कर रहा वो अपनी जगह बिल्कुल सही है ताकि लोगों का थॉट बढ़ ले जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या टीवी में हैं सो लोगों को लगे कि यार कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता अब लोगों को पता है कि हम किस एज में हैं लोगों को पता है कि अगर मैं 60 साल का बनूंगा तो लोगों को पता है कि 60 साल का बना हुआ है अब लोग स्मार्ट हो गए अब लोग पहले जैसा नहीं सोचते कि यार किसने माँ के रोल के लिए तो इसको माँ का ही रोल मिलेगा ज़रूरी नहीं होता मैंने तो दादा परदादा का रोल भी कर लिया साथियों में यार है ना परदादा का रोल करने के बाद फिर मैं दोबारा जग्गी बन के आ गया मतलब अगर मैं जग्गी बन गया तो उन्होंने बोला कि यार तुम बहुत यंग दिखोगे अबे अगर मैं किसी का जुड़वा भाई हूँ तो जुड़वा भाई तो एज तो वैसी ही होगी ना कितना भी यंग हो जाए तो टीवी में कुछ नहीं ऐसा होता है ना बस ये है कि आपको काम मिलना चाहिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो आप कर सकते मैंने इसके लिए अपने एक लुक बनाया जो आप देख रहे हो है ना तो जब जब मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो मेरे एक खड़े होने का स्टाइल होगा बैठने का होगा बात करने का एक सलीका होगा एक तरीका होगा एक नवाबी आपको लेगा क्या अगर नहीं मुझे वो अगर वो पहले नवाब ही ना दिखे ना तो वो काम करने कुछ मतलब नहीं है सबसे पहले
अगर आप उस किरदार में नहीं बैठते हो तो आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले वो आपको वो किरदार आपको महसूस करना पड़ेगा। तो मैं एज एन अभी जो किरदार करूँगा वो मैं अपने फ्रेंड्स हैं मेरे कुछ जो पठान हैं, है ना, तो मैं उनके साथ रहा हूँ, तो उनके जो फादर हैं, तो मैं जब ये चीज़ होगी तो मैं आगे जाके डेफिनेटली बताऊँगा तो मैं किसका किरदार निभा रहा हूँ। मेरे एक बहुत नोन है, जान पहचानने वाले हैं, जिनकी दो शादी हुई है और वो अपनी दोनों बीवियों को कैसे रखते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा करता हूँ कि मैं वो कैसे रहते हैं, लेकिन उनका तरीका क्या है, उनका चलने का, उनका बोलने का। तो कहीं ना कहीं बंदा ये चीज़ें सीखता है, तो मैंने भी सीखी हैं। मैंने कोई किरदार उठाया नहीं है, कोई फिल्म से नहीं उठाया, मैं ये नेचुरल करना चाहता हूँ कि अगर मैं चलूँ तो वो लगे कि बंदा नवाब जा रहा है, लोग अहम को भूल के उड़ान में जो था उसको याद रखे, उड़ान से जो निकला वो समरू में था समरू को याद रखे, समरू से निकल के अब मैं असगर खान में निकला हूँ, असगर खान बनने में निकला हूँ, तो मुझे लोग अब अहम को छोड़ के असगर खान को याद रखें। तो मेरा ये मानना है कि असगर खान को जितना याद रखेंगे, जितना मुझे लोग बोलेंगे कि यार बहुत गंदा कर रहा है ये असगर, तो बहुत ही वाहियात है असगर, तो बहुत ये है असगर, तो वो बहुत ही, मैं उतना ही सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, नॉट इवन मेरी को एक्टर के साथ, मेरा जितने भी इंटायर मेरी पूरी टीम है बहू बेगम की, इवन मेरे डायरेक्टर कैमरामैन स्पॉट बॉय जितने भी लोग हैं, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा। आप किसी से पता करोगे, किसी से पूछोगे, वो कहेंगे भाई वो ऑफ स्क्रीन अलग है ऑन स्क्रीन अलग है। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं कि मैं कैसा हूँ, है ना, ऑन स्क्रीन कैसा हूँ, ऑफ स्क्रीन कैसा हूँ। तो मुझे बस ये कि मैं जब स्क्रीन पे हूँ तो मैं अच्छा लगूँ, जब ऑफ स्क्रीन रहूँ तो मैं अच्छा बन के रहूँ, बस। बहू बहन कहाँ देखने में, कहाँ देखने को मिलेगा, ताज में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, टीवी में मिलेगा, जिसका नाम है कलश, है ना, कलश पे आएगा ये 15 जुलाई से मंडे टू फ्राइडे 9:30, और इसका नाम है बहू बेगम। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, जितना आपने मुझे बाकी शोज में प्यार दिया आप इस शो में मुझे उतना ही प्यार दें। मैं अपने फैंस से उतनी दुआ करूंगा कि जितना आपने मुझे पहले प्यार दिया है उतना ही प्यार दें मेरे शो को प्यार दें, ताकि हमारा शो रनिंग शो बने और एक अच्छा रनिंग शो बन के अच्छा जैसे बाकी शोज बने तो ये भी बने। थैंक यू सो मच, लव यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जब पहली बार ही प्रतीक जो इसके प्रोड्यूसर है उनसे मिली थी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे कहानी समझाई थी और ये कैरेक्टर बताया था, तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाई, क्योंकि इतना खूबसूरत है ये कैरेक्टर, और मैं हाँ कह दिया, और मुझे लगता है मैंने अच्छा किया कि हाँ कह दिया, क्योंकि मैं इसकी पार्ट बन गई एंड आई रियली हैड अ गुड टाइम। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा यास्मीन प्ले करके। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि माँ का किरदार हमेशा सेम ही होता है, क्योंकि माँ जो होती है वो रिलीजन में बटी नहीं होती, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, माँ तो माँ है। चाहे उसका नाम यास्मीन हो तो फिर सरला हो, या बंगाली लाबोनी हो, वो रहती है एक ही जैसी है। हाँ, ज़रूर उसके कैरेक्टराइजेशन में हल्का हल्का फ़र्क रहता है। तो जहाँ मैंने पहले जो कैरेक्टर्स किए वो थोड़े हाइपर थे, थोड़े जल्दी बोलते थे, यास्मीन थोड़ी संभली हुई, थोड़ी सबड्यूड है, लेकिन फिर भी उसका प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसकी झोली अब थोड़ी बड़ी हो गई है, उसने अपनी नूर के साथ साथ अजान और शायरा को भी उसमें समा लिया है, लेकिन वो सिमिलर चीज़ बहू बेगम की भी है। मतलब उन्होंने अगर अजान को इतना प्यार किया तो वो नूर को भी उतना ही प्यार करती है, और शायरा को भी बाद में वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती। तो बहुत सारा प्यार है शो में, और जितने भी लोग उस घात लगा के बैठे हैं जो नेगेटिव्स होते हैं हमारे शोज़ के, तो उनको थोड़ा हार्ड टाइम मिलेगा, बिकॉज इतना प्यार जब होता है और दोस्ती होती है, क्योंकि बहू बेगम और यास्मीन भी बचपन के दोस्त हैं, और वैसे ही अजान और नूर हैं, तो कैसे दोस्ती, निकाह और मोहब्बत आपस में कई बार उलझ जाती है, और फिर उसकी उलझन की गांठें दूर करने के लिए किस तरीके से कहानी अपने आप को एक एक पन्ना खोलेगी, वही कहानी है बहू बेगम। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तो मतलब कुमकुम तो अब करती नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा बच्चा हो गया है, अब बड़े बच्चे को माँ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ कभी कभी 6-7 महीने में मैं क्या कहते हैं प्रज्ञा को कुछ सीन एक्ट करने चली जाती हूँ, सो आई बेसिकली डोंट शूट फॉर कुमकुम। कुंडली अगेन, वो 2 साल का बच्चा हो गया, चलना वलना उसको आ गया है, तो मैं उनके साथ 7-8 दिन से ऊपर काम नहीं करती हूँ। तो ये शो जब आया तो मैंने हाँ इसलिए कह दिया क्योंकि आई कैन मैनेज, और टीवी मैं थोड़ा सा कम डेज ही करती हूँ ताकि अपनी फिल्मों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। मेरी 2 फिल्में आ भी रही हैं। हाँ, मैंने इस शो के लिए, मतलब क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीवी मेरे दिल के बहुत करीब है, और टीवी के लिए बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए। मैंने अपनी एक फिल्म भी छोड़ दी
आयुष्मान के साथ बिकॉज हम लोग सेम टाइम पे आउटडोर जा रहे थे. सो इट्स नॉट अ बिग डील बट टीवी इज समथिंग वेरी डियर टू मी. क्योंकि फिल्म का नाम नहीं बताऊंगी ऑल दो इट्स अ बिग फिल्म बट आई डोंट वॉन्ट टू टेल. नो 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 आर्टिकल 15 तो जस्ट केम दैट शूट इज स्टिल गोइंग ऑन. सो आई डिड इट वाई बिकॉज कुछ नहीं आपको टीवी करने से पहले आपको एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. क्योंकि मेरा मानना है लोगों को लगता है कि टीवी एक अखबार की तरह है जो रोज़ छपता है और फिर कूड़े में जाता है. लेकिन उस अखबार को छापने के लिए जो मेहनत जो डेडिकेशन और जो आपको एक जज्बा चाहिए ना वो आप में है तभी टीवी करिए नहीं तो मत करिए. बिल्कुल. और उस ऑडियंस तक पहुंचता है जो 500 रुपए की टिकट लेके अपने पूरे परिवार के साथ मेरा जहां तक कहना है कि 2000 या 3000 खर्च करके सिनेमा हॉल में नहीं जा सकता. उसका एंटरटेनमेंट हम उस टीवी से करते हैं तभी वो हमको अपना समझते हैं क्योंकि हम उनके रिमोट पे रहते हैं. तो उनको लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है. मैं अभी एक फिल्म शूट करने हरिद्वार गई थी अप्रैल में तो एक लेडी आई और वो उनसे लड़ रही थी जो लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम गंगा हाट पे थे कि अरे वो सरला है उसको मैं जानती हूँ उसको द वे शी वॉज डूइंग इट आई टोल्ड हिम लेट हर कम. सो शी थिंक ये समझ ही नहीं रहा था मैं तो जानती हूँ आपको. तो दे थिंक दे नो मी बिकॉज दे वॉच मी सो क्लोजली इन देयर 21-inch टीवी. सो आई एम थैंकफुल टू टीवी फॉर दैट कि हम उनके दिलों में बसे हुए हैं वो हमें इतना प्यार करते हैं और फिर वो सिनेमा पे भी एक्सटेंड होता है तो अच्छा लगता है. हाँ बिल्कुल. एक यस एक्टर को अच्छा लगता है जब थोड़ा सा आपका एक लुक चेंज होता है बिकॉज आपको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है तो अच्छा लग रहा है. मतलब कैरेक्टराइजेशन भी थोड़ा अलग है और टेकिंग भी थोड़ी अलग है. मतलब हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रतीक्षा इज अ ब्यूटिफुल डायरेक्टर टू वर्क विथ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करना. वो छोटे छोटे न्यूएंसेस पे काम करते हैं एक लुक पे काम करते हैं और कई बार आप इमोशनल सीन करते हैं तो वो आपको दूसरी बार नहीं करने देते वो एक ही बार में वो ले लेते हैं. उसके लिए मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ बिकॉज टीवी में कई बार हमें 2-3 वो करने पड़ते हैं और वो एक ही बार लेके तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. पर्सनली आई लाइक इट क्योंकि मैं खुद रोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बार हो जाए सारी एक मेहनत उसी में चली जाए. सो प्रेशर नहीं लेती कभी नहीं लेती. मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप दिल से काम करते हैं तो वो दिल तक पहुंचता है और मैं दिल से काम करती हूँ और पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो शायद कोई कमी रहेगी अगली बार वो पूरी कर लेंगे. लेकिन काम दिल से करना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट आप रात को अपने आप को शीशे में देखकर चैन से सो तो सकते हैं कि मैंने मेहनत करी. ऑडियंस को नहीं पसंद में आया शायद उनके दिल को नहीं छुआ होगा अगली बार मेहनत और ज़्यादा करूँगी क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. या हाँ एक फिल्म का नाम दूरदर्शन है. वो गगनपुरी हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं. उसमें डॉली आलूवालिया जी हैं और मनु छाबड़िया है और राजेश शर्मा हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं और वो हस्बैंड वाइफ बने हैं और माही गिल है उसमें और बच्चे हैं वो बधाइयों वाला बच्चा है. तो वो एक फिल्म है और एक दूसरी फिल्म है जो मैं कर रही हूँ हमारी उसकी उसका नाम अभी तक रखा नहीं उन्होंने हमारी भाभी सरिता ऐसा कुछ करके नाम है जिसमें कि हाँ मुझे पता है वो नाम बड़ा अजीब है तो लेकिन वो शायद कुछ नाम करेक्ट करेंगे. उसमें मल्लिका शरावत है और रजत जी हैं रजत कपूर और मैं हस्बैंड वाइफ बने. वो हरिद्वार बेस्ड फिल्म है. सो इट्स अ नाइस फिल्म. वो उसका थोड़ा काम रह गया है अभी तो वो शायद रिलीज होगी. दूरदर्शन आई थिंक इज रिलीजिंग सून ओनली. तो थोड़ी वो छोटी वाली फिल्में हैं जैसे आप बधाइयों को नहीं कह सकते छोटा बिकॉज द डायरेक्टर्स बिग एंड एवरीथिंग बट उसी जॉनरा को बेसिकली टच करती हुई फिल्में. तो आजकल अच्छा है सिनेमा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और हमें मौका मिलता है. बहू बेगम के लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू ऑडियंस. आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है मुझे मेरे शोज़ को हमारी पूरी कुमकुम कुंडली फैमिली को. उसी तरीके से इस पूरी मेरी ज़िंदगी की फैमिली में बहू बेगम भी आ रही है तो बहू बेगम को भी उतना ही प्यार दीजिएगा. हमने बहुत मेहनत से इस शो को किया है उतने ही प्यार से आप उसे देख लीजिएगा. 15 जुलाई कलर्स 9:30 मंडे टू फ्राइडे बहू बेगम. थैंक यू सो मच.